मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। लकल हम्दु या अल्लाह व सलातु व सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم جسے تعریف تیری ادا کر سکوں جسے تعریف تیری ادا کر سکوں लफ्ज़ ऐसा मुकम्मल मिला ही नहीं, लफ्ज़ ऐसा मुकम्मल मिला ही नहीं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिन हज़रात, आज मैं आप हज़रात के सामने ऐसी शख्सियत का जिक्र करने वाला हूँ जो मुहताज तआरुफ नहीं है, कि वो कोई आम शख्सियत नहीं है, वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि वो ऐसी ज़ात है, वो ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उससे मेरा सलाम करना। वो ऐसी ज़ात है जिसने एक ऐसी किताब लिखी है जिसको आज पूरी दुनिया कुरान पाक के बाद सबसे अफजल किताब मानती है, सबसे सही किताब मानती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिसे आज पूरी दुनिया इमामुल मुहद्दिसीन, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, नाशिर अहादीस नबविया और बुखारी, इमाम बुखारी के अलकाब से जानती और पहचानती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत व सआदत 13 शव्वाल मुकर्रम सना हिजरी 194 को जुमा के दिन बाद नमाज जुमा मशहूर शहर शहर बुखारा में हुई। आपका नाम नामी इसमें ग्रामी अबू मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बरदेजवा अल जाफी है। प्यारे नाजरीन, इमाम बुखारी के बचपने का वाकया है कि जब आप शेर खार बच्चे थे, यानी जब बचपने का आलम था, तभी आपके वालिद बुजुर्गवार इस्माइल बिन इब्राहिम का साये शफकत आपके सर से उठ गया, यानी आप वासिल इल्लाह हो गए। और आपकी वालिदा मोहतरमा आपकी सारी जिम्मेदारियां संभालती थी। प्यारे नाजरीन, इमाम बुखारी के बचपन का वाकया है कि एक मरतबा आपकी आंखों की बिनाई जाती रही, यानी आपकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आपकी वालिदा मोहतरमा ने बहुत इलाज कराया, बहुत दवा कराया, लेकिन दवा और इलाज से कोई फायदा ना हुआ, कोई इस्तेफादा ना हुआ। और आपकी वालिदा माजदा अल्लाह ताला की बारगाह में एक आबिदा और जाहिदा बंदी थी, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की, अय अल्लाह मेरे बेटे की आंखों की बिनाई अता कर दे, अय अल्लाह मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाई। लिहाजा आपकी वालिदा मोहतरमा ने एक रात ख्वाब में देखा कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली है और तेरे बच्चे की बिनाई वापस फरमा दी है। लिहाजा जब आपकी वालिदा मोहतरमा सुबह को उठकर सुबह को बेदार होती हैं और क्या देखती हैं कि आपके बेटे यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बिना होकर उठ रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आंखों में ऐसी बिनाई अता फरमाई, ऐसी रोशनी अता फरमाई कि आप चांदनी रातों में लिखा पढ़ा करते थे, आप चांदनी रातों में जिस तरीके से दिन में पढ़ा करते थे उसी तरीके से चांदनी रातों में पढ़ा करते थे। दस्तूर के मुताबिक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इब्तदाई तालीम मकतब में हुई और जब 10 साल के हुए तो आपको बाइलहाम रब्बानी इल्म हदीस सीखने का शौक पैदा हुआ और आप वहाँ के मशहूर और मारूफ मुहद्दिसीन की खिदमत में हाजिर होकर इल्म हदीस सीखने लगे। उनके कुव्वत हाफिजा का ये आलम था
कि जिस बात को एक मर्तबा सुन लेते थे या पढ़ लेते थे उसको कभी भूलते ना थे। आपके हम सबक साथी इस्माइल इब्न हाशिद कहते हैं कि हम लोग मुहद्दिसीन की बारगाह में जो भी मुहद्दिसीन की बारगाह से जो भी हदीस सुनते थे या सुनते थे उसे लिख लिया करते थे। मगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला का ये आलम था, ये हाल था कि वो सिर्फ सुनकर चले आते थे। उनके हम सबक साथी कहते हैं कि हमने उनसे बार बार कहा, उनसे बार बार अरीजा पेश किया कि आप वक्त जाय ना करें, इससे कोई फायदा हासिल ना होगा, तुम भी जो सुनो उसे लिख लिया करो, मगर आप पर उसका कुछ असर ना हुआ। मौजूद नाजरीन, 16 दिन के बाद इमाम बुखारी ने अपने साथियों से कहा कि तुम लोगों ने मुझ पर बहुत मलामत की है, अब तक आप लोग जितनी हदीसें लिख चुके हो मुझे सुनाओ। तो उनके साथियों ने कहा हम लोगों ने 15,000 हदीसें लिख रखी हैं, तुम्हें हमने अपने अपने तो हमने अपने अपने नविश्तों से देखकर हदीस पढ़ना शुरू किया। तो हाल ये हुआ कि हमारे नविश्तों में वो गलती थी, मगर इमाम बुखारी की याददाश्त में कोई कमी ना थी, कोई गलती ना थी, कोई खामी ना थी। उनके हम सबक साथी कहते हैं कि हमने उनकी याददाश्त के मुताबिक अपने अपने मकतूबात की, अपने अपने नविश्तों की, अपने अपने नोटबुक की, अपने अपने नोटबुक की इसलाह कर ली। मोहसिन नाजरीन, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह सन 210 हिजरी में जब आपकी उम्र 16 साल की थी तो अपने बड़े भाई अहमद बिन इस्माइल और वालिदा मोहतरमा के साथ हज को गए और आप मक्का मुअज्जमा में रहकर तहसील इल्म, तसनीफ व तालीफ और इल्म दीन की नशर व इशात में मशगूल हो गए। 18 साल की उम्र में आपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मजार अकदस के पास बैठकर अपनी मशहूर किताब किताबुत तारीख लिखी। मोहसिन नाजरीन, आपके वालिद बुजुर्गवार, आपके वालिद गिरामी ने अपने तुर्के में से, अपने खानदानी मालो जायदाद में से आपके लिए बहुत कुछ मालो दौलत छोड़ा था, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रईसाना अंदाज में जिंदगी गुजारने के बजाय बहुत सादा और जाहिदाना तर्ज पर जिंदगी बसर किया। 40 दिन तक आपको सूखी रोटी खाने की वजह से आप बीमार पड़ गए। तो अतिब्बा ने यह मंजर देखकर कहा कि सूखी रोटी खाने के सबब आपकी आते सूख गई हैं। लोगों के बहुत असरार पर आपने अंगूर के शीरे से रोटी खाना कबूल किया। मोहतरम नाजरीन, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अच्छे ताजिर भी थे और अपनी तिजारत में नियत के इतने सच्चे थे कि एक दफा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कुछ माले सामाने तिजारत आया। ताजिरों को पता चला तो इमाम बुखारी की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि हम आपको 5,000 दिरहम नफा देने को तैयार है। आपने फरमाया अभी रात का वक्त है, आप हमारे माल को सही से देख नहीं पाएंगे, लिहाजा आप लोग सुबह में आकर बात करें। सुबह को जैसे सुबह हुई तो सुबह को दूसरे ताजिर पहुंच गए आपकी बारगाह में और अर्ज किया कि हम आपको 10,000 दिरहम नफा देने को तैयार हैं, हमें आप अपना माल दे दे। आपने फरमाया मैंने रात ही को नियत कर ली थी कि 5,000 दिरहम देने वाले को ये उसके अवज में मैं ये सामान उसे दे दूंगा, अब मुझे नियत बदलना पसंद नहीं है, इसलिए कि मैंने रात ही को नियत कर ली थी कि मैं उस सामान को, इस सामान्य तिजारत को उस 5,000 दिरहम देने वाले को दे दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों से मैं तो अपनी नियत को छुपा सकता हूँ, लेकिन बरोज़े महशर असारी कायनात के परवरदिगार आलम से मैं अपनी नियत को नहीं छुपा सकता। मौजूद नाजरीन, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये आलम था कि वो नियत के बिल्कुल सच्चे थे और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को हदीस की तलाश और जुस्तजू का इतना ज्यादा शौक था कि आप खुद फरमाते हैं कि मैं इल्मे हदीस के तलब के लिए 6 साल तक हिजाज में रहा, 2 मरतबा मिस्र, 2 मरतबा शाम, 2 मरतबा जजीरा और 4 मरतबा बसरा का सफर किया और बगदाद कितनी मरतबा गया उसका कोई शुमार नहीं। मोहसिन नाजरीन,
आपने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात, अफाल, अहवाल और हुलिया व जमाल के एक एक नक्शो निगार की तलाशो जमा करने में गुजार दी और फिर उसे पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश में अपनी जिंदगी को बसर किया। तकरीबन 90,000 लोगों को आपने बुखारी शरीफ सुनाया। 62 साल तक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैजान इस आलम पर, इस दुनिया पर जारी व सारी रहा और यकुम शव्वाल मुबारक 256 हिजरी को ये आफ्ताब महताब अहले दुनिया की निगाहों से ओझल हो गया। ईद उल फित्र के दिन बाद नमाज जुहर इस गंजीने करामत को सुपुर्दे खाक किया गया। आज भी उनके कब्र अतः से दुनिया फैजान हासिल करती हुई नजर आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें और हमारी पूरी टीम को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बहरे इल्म का एक कतरा अता फरमा और तमाम मुसलमानाने आलम को उनकी नक्शे कदम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अब्रे रहमत उनके मरकद पे गुहर बारी करे, अब्रे रहमत उनके मरकद पे गुहर बारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बर्दारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बर्दारी करे। मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।